जय रघुनाथ जी की। मैं कुंवर राजेंद्र सिंह नरुका, बसेठ अलवर राजस्थान। आज जो हम इस समय लाइव आए हैं, होना तो ये चाहिए था कि नव वर्ष की नए सम्मत की शुभकामनाओं के लिए एक दूसरे को शुभकामनाएं देते, लेकिन पराधीन लोगों का, पराश्रित लोगों का ना कोई उत्सव होता है ना कोई त्योहार होता है। आज ये सर पे केसरिया साफा है और आपने अक्सर मुझे इसी में देखा होगा, जहां कहीं भी देखते हैं। अब इसकी भी इज्जत खतरे में है, क्योंकि असली लड़ाई तो वास्तव में केसरिया के खिलाफ ही चल रही है। भ्रम फैलाकर केसरिया क्रांति की आड़ में केसरिया का ही अपमान करने का जो षड्यंत्र है वो अब बिल्कुल सामने आ गया है। राज शेखावत के सर से उठाई गई पगड़ी केवल एक राज शेखावत साहब के सर से नहीं उठाई गई है, बल्कि हरेक क्षत्रिय के, हरेक स्वाभिमानी व्यक्ति के सर से उतारी हुई पगड़ी है। आप ध्यान से उस वीडियो को देखिए, एक बात बिल्कुल क्लियर दिखाई देती है कि राज शेखावत साहब को अरेस्ट करना मकसद नहीं था, मकसद था केसरिया पगड़ी को गिराना। आप बार बार उस वीडियो को चला के देख लेना, गुजराती न्यूज चैनल जी पे भी है वो, और कई जगह है, राज शेखावत साहब की वाल पे है, मेरी वाल पे भी पोस्ट किया हुआ है। रूपाला अनायास कोई बात बोल गया हो, इस तरह का जो भ्रम कुछ अंध वक्त जो है, या मतलब उनका दिमाग तो ईश्वर ने पहले ही हर लिया है, उन लोगों ने एक भ्रम फैलाया था कि रूपाला से गलती हो गई। रूपाला खुद भी बोल रहा था कि उससे गलती हो गई। अच्छा, एक घड़ी अपन ये मान लें कि शायद इससे गलती हो गई, तो फिर उनसे गलती क्यों हो रही है जो रूपाला को एकमात्र सारे गुजरात के अंदर, 7 करोड़ गुजरात के अंदर, 8 करोड़ गुजरात के अंदर एक रूपाला ही ऐसा व्यक्ति बच गया है कि जिसको गुजरात का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाना जरूरी हो गया है। बताइए, इसका प्रश्न दीजिए। वहां राजेंद्र सिंह नरुका अपने लिए टिकट नहीं मांग रहा, महिपाल सिंह मकराना अपने लिए टिकट नहीं मांग रहे, राज शेखावत नहीं मांग रहे, या और कोई दूसरा क्षत्रिय भी टिकट नहीं मांग रहा। ये भी किसी ने मांग नहीं रखी कि रेवाबा जडेजा को टिकट दे दिया जाए, ऐसी भी कोई मांग नहीं रखी गई। सिर्फ इतनी सी बात कही गई कि रूपाला को राजकोट से टिकट नहीं दिया जाए, उसका टिकट रद्द किया जाए। लोकतंत्र में, लोकशाही में इस तरह की मांग रखना क्या गैरकानूनी है? वो भी जब लाखों छत्राणियां आक्रोशित हैं और उनका आक्रोश इस श्रेणी तक का है कि वो जौहर तक करने के लिए तैयार हैं, उसके बावजूद ये जो अब तक की सबसे क्रूरतम सरकारों में है, नहीं 1950-47 से नहीं, इतिहास की अब तक की सबसे क्रूरतम सरकार में है, ऐसा जुर्म कभी भी किसी इस्लामी राज्य में भी संभव नहीं था, क्योंकि इतनी देर के बाद तो लोगों की मूंछें सीधी हो जाती और तलवारें निकल जाती और जहर और साके की आग धर उठती। क्योंकि उस समय जो इस केसरिया साफा मानने वाले लोग हैं, वो ये उनके मन में भ्रम नहीं था कि ये शत्रु जो है कुछ और है, ये भ्रम तो आज हो रहा है कि इस शत्रु को हमारे ही पाले का समझा जा रहा है, जबकि ये शत्रु हमारा अब तक के इतिहास के रावण से लेकर, कंस से लेकर, क्रूरतम सिकंदर से लेकर, चंगेज खान से लेकर, तुर्क, यवन, अरबी, उन सबसे ऊपर है। क्यों क्यों है, आपको समझना पड़ेगा इस बात को। वो इसलिए है कि उन शत्रुओं को हम देख सकते थे, हमारे सामने खड़े थे और हम उनसे उसी तरीके से पेश आ सकते थे जैसे एक शत्रु के साथ पेश आते हैं। लेकिन ये जो आस्तीन में घुसा हुआ सांप है, ये यहां बैठा हुआ है और ये बार बार डंक मारता है और हम क्या समझते हैं, शायद ये हमारे गाल को सहला रहा है, ये हमारी गर्दन को सहला रहा है, ये डंक पर डंक मारता जाता है और हमें इसका पता नहीं चलता। एट्रोसिटी एक्ट पे भी इसने डंक मारा, हम नहीं समझ पाए।
बार बार डंक मारता है। पहले इतिहास को कलंकित किया, विकृत किया, और फिर उसके बाद उस विकृति के ऊपर बिल्कुल खड़े हैं कि नहीं, हम तो करेंगे ही करेंगे, हम तो इसे विकृत करेंगे ही, हमारे पास तो एक रूपाला ही बच गया है, इसको हम रखेंगे। रखो आप रूपाला को, मैं दिल से यह चाहता हूं कि ये रूपाला का टिकट कैंसिल नहीं करे, ताकि मेरी ये जो मुर्दा कौम हो गई है, जो सोई हुई कौम है, इसमें थोड़ा बहुत इस बात का अंदाजा लगे। नहीं तो अभी तो मुझे एक और डर था कि यदि ये तुरंत उसका रूपाला का टिकट रद्द करके और कहीं गवर्नर बना के भेज देते उसको, तो हमारे लोग तख्ती लेके निकलते। धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक्स थैंक्स, इस धन्यवाद की यात्रा, आभार की यात्रा शुरू हो जाती और एक के बाद एक लेकर निकलते। बैठे थे, कई तैयारी करके बैठे हुए थे कि रद्द करेंगे और हम चल देंगे कि लो साहब हम पहले आए हैं, हम पहले आए, हम पहले आए। आखिर मेरी इस कौम को हो क्या गया? मुझे आश्चर्य इस बात का आता है, इस कौम ने जिसने पीढ़ी पीढ़ी से सर कटाए हैं, वो आज इतनी लाचार हो चुकी है कि कोई उसके इतिहास को कलंकित करता है, उसकी माताओं और बहनों को कलंकित करता है, और ये उसी पार्टी उसी दल के लोगों का समर्थन में पोस्ट डालते हैं। मैं वही बिल्कुल कंफ्यूज्ड हूं कि क्या इनका डीएनए वाकई वही डीएनए है, या फिर कोई समय के गर्त में कहीं कहीं कोई न कोई गड़बड़ी हो गई है, और इन जैसे लोगों की वजह से ही ये नरोत्तम मिश्रा टाइप के लोग, रूपाला जैसे लोग, अमित शाह जैसे लोग, नरेंद्र मोदी जैसे लोग इस समाज को ठगते जा रहे हैं। एक तो मैं गुजरात के हमारे क्षत्रियों से मैं कहूंगा, जब इन्होंने पहली बार 2014 में आपके स्वाभिमान के साथ चोट की और एक भी टिकट देना उचित नहीं समझा, तब आपकी जिम्मेदारी बनती थी कि सारे देश को इस बात को जागृत कर देते कि ये जो नफरती जहर हमारे विरुद्ध बोया था, ये अब नेशनल वाइड होने वाला है, पूरे देश के अंदर फैलने वाला है। आज हमारे साथ किया है, कल ये राजस्थान के साथ करेगा, फिर ये मध्य प्रदेश, हरियाणा तो कर ही रखा है, और उसके बाद सारे आगे बढ़ता बढ़ता आसाम तक जाएगा। आपने यदि संदेश नहीं दिया, उससे एक गलतफहमी हो गई और इनको 10 साल का वॉकओवर मिल गया। मैं मानता हूं कांग्रेस जैसी कुकर्मी सरकार इस देश में रही और अब भी वही कुकर्मी है कांग्रेस, कोई किसी प्रकार का फर्क नहीं पड़ा है, क्योंकि इस रूपाला वाले प्रकरण में जितनी दोषी बीजेपी है, उतने ही उसके सहोदरा अन्य दल है। एक भी दल ने किसी भी प्रकार से रूपाला के बारे में कुछ नहीं बोला, सिवाय एक प्रताप सिंह जी खाचरियावास के। एक भी व्यक्ति ने नहीं बोला, वो भी प्रताप सिंह जी खाचरियावास साहब ने केवल मात्र अपनी कैपेसिटी पर बोला है, कांग्रेस के ऑथेंटिक प्रवक्ता ने कुछ नहीं बोला, क्योंकि कांग्रेस की तो ये कुनीति है। दुर्भाग्य इस देश का ये देखिए और इस कौम का देखिए कि जिस कौम के लोग के विरुद्ध ये षड्यंत्र रचा जा रहा है, जहर उगला जा रहा है, उसी कौम के बंदे इनका समर्थन कर रहे हैं, इनकी जय जयकार कर रहे हैं। अनेक ग्रुपों में अभी भी मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। क्या मुमकिन है? आपके सिर में कील ठोकना। क्या मुमकिन है? आपको गाली देना। क्या मुमकिन है? आपकी सर की पगड़ी उतार कर उछालना। यह मुमकिन है। महिपाल जी मकराना साहब के साथ उस दिन बदसलूकी हुई, परसों के दिन बदतमीजी हुई, दो दिन पहले, और उस बदतमीजी के बारे में जब हम चर्चा कर रहे थे, तो एक दिमाग से पैदल आदमी बोला, ये पुलिस वालों ने किया होगा, इसमें मोदी जी का कोई पार्टी का हाथ नहीं है। मान लेते हैं हो गया होगा, चलो मान लिया। अभी उस वीडियो को देखना आप, राज शेखावत के सिर से जानबूझ के वो नपुंसक, वो हिचड़ा, वो नपुंसक हिजड़ा उसको उतार रहा है, उसके कान पे मारकर पूछो कि उसको किसने बताया था। सरकार का यदि समर्थन नहीं है तो उसे शाम तक फांसी पे लटका दे, हम मान जाएंगे कि सरकार का समर्थन नहीं है। बचेगा तो नहीं वो? गुजरात पुलिस से मैं हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूं, उसे आप बर्खास्त कर दें तो उसकी जान बच जाएगी। यदि आपने उसे बर्खास्त नहीं किया तो ये समाज सिरफिरों का समाज है। फूलन देवी को संसद के सामने जिन्होंने नहीं छोड़ा, वो इस नाजोगे को, इस नपुंसक को
कहां बचाएगी पुलिस इसकी, बताओ मेरे को। वो राज शेखावत की पगड़ी नहीं उतारी है, गलत फहमी है, वो साफा पूरे क्षत्रिय समाज का उतारा है और उसको गिराया है। ये बात यहां सीने में लगती है, जिसके सीने के अंदर दिल है, और जिसके नहीं है वो भाई शाम को संकिया खाके मर जाना। कम से कम इस जाति के अंदर ऐसे लोगों को रहने का अधिकार नहीं है, जिनको ना केसरिया की पड़ी है, ना सभ्यता की पड़ी है, ना संस्कृति की पड़ी है, ना अपने इतिहास की पड़ी है। ऐसे नाजोगांव से इस धरती का भार हट जाना चाहिए। कई इतने डरपोक, इतने कायर, इतने नकारा हैं, उनको तो देश ही खतरे में नजर आ रहा है, कईयों को हिंदुत्व खतरे में नजर आ रहा है। ऐसे लोग डेफिनेटली किसी भी क्षत्रिय की संतान नहीं हो सकते, क्योंकि क्षत्रिय कभी किसी और से रक्षाएं नहीं करवाता फिरता कि ये बचा लेंगे, ये बचा लेगा। ये जो खुद नहीं बच पा रहा है, जिसकी खुद की इज्जत को वो जानता नहीं है, बार बार दूसरों की इज्जत उछलवाता है, ये देश बचा लेगा ये देश। और इसके लिए हिंदुत्व और देश बचाने वाले ऐसे लोग डेफिनेटली बे कोई ऐसे समय की पैदाइश हैं जब क्षत्रित नाम का बीज उनके पिता के शरीर के अंदर बचा नहीं था। यदि होता तो ये अपमान जो हमें महसूस हो रहा है उन्हें क्यों नहीं महसूस हो रहा। मैं आज आपको एक बात बताऊं, मेरे तो 4-5 लोगों को टिकट भी दिया है इसी पार्टी ने, और मैं उसके बावजूद एक क्षण के लिए भी ऐसी बेहूदगी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि यदि साहब उसने कुछ एहसान हम पर कर दिया या हमारी बात मान ली तो हम केसरिया के विरुद्ध होने वाली बदसलूकी को सम्मान कर लें। मैं फिर कह रहा हूं कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों जुड़वा हैं। जब कोई कहता है कि बीजेपी को हरा के कांग्रेस को जिता दो तो मेरे नहीं समझ बैठता, लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस और बीजेपी के में एक बात का अंतर है कि बीजेपी को मजदूरी हमने दी है, कांग्रेस को नहीं दी। इसलिए कांग्रेस के किसी भी कुकर्म के लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं, भाजपा के सारे कुकर्म के जिम्मेदार हम हैं, क्योंकि इसको लाइफलाइन हमने दे रखी है, इसको पैदा हमने किया था। इसलिए अब इन दोनों की क्या स्थिति है मैं आपको बताता हूं। जैसे हमारी माता और बहन को किसी रास्ते चलते ने छेड़ा, सड़क पर गई और किसी ने छेड़ा, और हमने घर में अपने बच्चे को शराब पिलाकर इतना तैयार किया कि बेटा तेरी बहन को कोई छेड़े तो उसको तू माकूल जवाब देना। रस्ते में छेड़ने वाले ने छेड़ा, और ये जो हमने घर में बेटा तैयार किया, अपना बच्चा तैयार किया खिला पिलाकर, उसको जिम्मेदारी दी थी कि जो लोग छेड़ रहे हैं उनका इलाज करना और अपनी बहन की रक्षा करना। लेकिन देखो कितनी बुरी बात लगेगी आपको, रस्ते में लोग उसकी बहन को छेड़ते थे तो ये जो बच्चा घर में पैदा हुआ था ये अपनी बहन के अंगों को, अपने बहन के प्रति अश्लील भावना रख करके अपनी बहन के आंचल को नोचने लगा है। अब मुझे ये बताओ कि आप पहले इस बच्चे का इलाज करोगे या सड़क पर जाते हुए उसका इलाज करोगे जिसने आपकी बहन को छेड़ा था। पहले इसको तुरंत मारना पड़ेगा और गड्ढा खोदकर गाड़ना पड़ेगा जो पैदा किया था अपनी बहन की रक्षा के लिए और नौच रहा है अपनी बहन के आंचल को। वही स्थिति है रस्ते पर चले हुए अन्य दल हैं, समाजवादी, कांग्रेस, बीएसपी और जितनी पार्टियां हैं, और जो ये घर में बच्चा पैदा किया था, जो हमारे आपके वोट से पैदा हुआ था, हमारी आपकी मेहनत से पैदा हुआ था, ये है ये भारतीय जनता पार्टी जो अभी लोधी लंबेड़कर के अधीन है, जो अभी अभी मोदी के और ये अमित शाह के अधीन है। अमित शाह से क्या आप आशा करोगे, उसके तो खुद कीचड़ भरा हुआ है दिमाग के अंदर, उसने तो खुद बोला हुआ है कि हवाई बोलते हैं सवाई नहीं बोलते। वो तो अमित शाह नहीं, अमित हा बोलता है अपने आप को, वो तो किसी अमित कोई सिंह लिखता होगा उसको हिंग बोलता होगा, वो तो बड़ा होशियार है ना, सवाई माधोपुर को हवाई माधोपुर बोलेगा, वो तो बहुत ही उच्च श्रेणी का व्यक्ति है, शाहजहांपुर को हाजापुर बोलता है, वो सह को है बोलता है, कोई सवाल पूछने को हवाल पूछना बोलता है, वो तो हवा रुपया बोलता है। ये किसने बोलता देखा इसको हवा रुपया, हमने तो कभी देखा नहीं, इसको हवा रुपया बोलता किसने देखा। इस व्यक्ति को ये नहीं पता कि सवाई की उपाधि ही सवाई जयसिंह जी से शुरू हुई है, जिसे मानसिंह जी पर चिपका रहा था, वो उसको कहां चिपका रहा, मानसिंह जी पर, और इसलिए सवाई महल के बजाय हवाई महल बनाया। मूर्खों का सरताज, सवाई नहीं वो हवा है, हवा होने की वजह से हवा महल है, सवाई माधोपुर ने सवाई
सवाई माधो सिंह जी ने सवाई माधोपुर बसाया था और आज भी बच्चे बच्चे के सवाई लगता है और ये उपाधि सवाई वाली जयपुर को भी दे दी और भरतपुर को अपने सामंतों को भी जयपुर के राजाओं ने ये उपाधि दी जो बाद में महाराजा बने। और ये बात कर रहा है, इतनी निकृष्ट श्रेणी की बात तथ्यपरक नहीं है, सार्वजनिक झूठ है और उस व्यक्ति पे आज तक देशद्रोह का मुकदमा नहीं लगा। सार्वजनिक रूप से झूठ बोलने वाले लोगों पर देशद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए, जब वो किसी पद पर बैठे हों तब ज्यादा लगना चाहिए। ये पूरी की पूरी पार्टी संत सनातन धर्म की सबसे बड़ी विरोधी पार्टी है और सबसे बड़ी इस देश की विरोधी पार्टी है, जो ये कहते हैं ना रोज रोज देश की। ये लोगों को नहीं पता कि सही मायने में देशद्रोही तो यही लोग हैं जो दूसरों को देशद्रोही कहते हैं, क्योंकि इनका देश का नाम ही भारतीय जनता पार्टी। हमारे देश का नाम तो भारत है और इनके देश का नाम भारतीय जनता पार्टी है। और ये सनातन विरोधी कैसे हैं? क्योंकि इनका भगवान ही वो है जो मोदी जहां चिपका दे वही भगवान। इनका भगवान राम लक्ष्मण सीता राम दरबार वासुदेव श्री कृष्ण हनुमान ये नहीं है। इनके पूरा भगवान इनका जिसको ये चिपका दें जिसको चेप दें यही भगवान है इनका। इनको कालने में ही भगवान नजर आ रहे हैं क्योंकि बार बार वो जो राम 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 जोर जोर से चिल्लाता है उसका चिल्लाने का मकसद सिर्फ एक ही होता है कि किसी भी तरह से हनुमान लक्ष्मण जी के लिए सजीवन बूटी नहीं लेके आए। रचा हुआ तो अभी भी है ये खेल। बाड़मेर जैसलमेर में एक बच्चा चुनाव लड़ रहा है, 26 साल का ही युवा, इन बड़े बड़े लोगों के सामने वाकई बच्चा है। उस बच्चे के लिए पूरे देश का स्वाभिमानी आदमी तैयार है उसकी मदद करने के लिए, लेकिन उसका दिमाग भरवाने के लिए ये रूपाला बड़ा कांड कर दिया। अब आराम से हम इस रूपाला में लगे रहे और वो बच्चा दर दर की ठोकर खाता फिरे, कभी इधर कभी उधर। आज वो सूरत में है, अहमदाबाद में है अपने भाइयों से मिलने के लिए, जबकि होना ये चाहिए था कि खुद सूरत अहमदाबाद बड़ौदे वाले खुद बाड़मेर जैसलमेर आकर के उनसे मिलते। एक एक मिनट कीमती होती है प्रत्याशी की, लेकिन आज उसको मजबूरी में खुद वहां जाना पड़ रहा है। क्यों जाना पड़ रहा है? क्योंकि हनुमान जी को तो कालने में ने अटका दिया। हनुमान मतलब क्षत्रियों को, उसके युवाओं को, साथियों को, स्वाभिमानियों को, जो उसकी मददगार कर सकते थे, जो उसको सजीवन बूटी ला सकते थे, उनको तो कालनेमी ने राम राम जोर से चिल्ला चिल्ला के उलझा लिया है। और दुर्भाग्य यह है कि भविष्यवाणी नहीं हो पा रही है कि हनुमान जी को पता चले, या भविष्यवाणी हो गई है लेकिन इस कलयुगी हनुमान क्षत्रिय युवाओं को तो पता ही नहीं चल पा रहा कि कालनेमी को ही राम भक्त समझ के उसकी जय जयकार कर रहे हैं। जात जात से हमको लड़ाया। मुझे आप बताएंगे 1989 से पहले क्षत्रिय किसी से लड़ता था क्या? बाड़मेर से पहले क्षत्रिय किसी से लड़ा है क्या? जब भारतीय जनता पार्टी की 2 सीट हुआ करती थी तब क्या क्षत्रिय किसी जाति से लड़ता था क्या? या कोई जाति क्षत्रिय के विरुद्ध थी क्या? यही गुजर समाज क्षत्रिय के लिए गर्दन कटाने के लिए तैयार था। यही मीणा, यही जाट भाई, यही अहीर भाई, सबके सब क्षत्रिय के साथ सीना तान करके साथ खड़े थे। आज क्यों विरुद्ध हो गए बताओ आप? अनायास नहीं है, आईएसआई से मिलकर आरएसएस ने यह काम किया है। आरएसएस और आईएसआई दोनों मिले हुए हैं, पर न जाने कब समझेंगे हमारे बंधु। इस मामले में क्षत्रियों के विरुद्ध षड्यंत्र रचने में ये दोनों मिले हुए हैं। अब मैं आपसे ये कहूं कि कूच बिहार में एरिए में बंगाल में रोहिंग्याओं को इन्होंने बसाना शुरू कर दिया और रोहिंग्याओं के पीछे पूरी बीजेपी खड़ी है। बीजेपी का मंत्री खड़ा है जिसका नाम है निशित प्रमाणिक। हां, मैं प्रमाणिक रूप से कह रहा हूं कि निशित प्रमाणिक जो खुद बांग्लादेशी नागरिक है, बांग्लादेश में पैदा हुआ है, वो रोहिंग्याओं को बसाने के लिए हमारे क्षत्रियों के विरुद्ध एक नया प्रेशर ग्रुप क्रिएट कर रहा है, क्योंकि वहां हमारी संख्या 60% है, उसको घटाकर 40% करने के लिए किसके इशारे पर? इन्हीं मोटा भाई छोटा भाइयों के इशारे पर यह काम कर रहा है। जब कूच बिहार का क्षत्रिय के साथ ज्यादती हो रही थी तो गुजरात बड़ा चादर ढांप कर सो रहा था। ये क्या हो रहा है मेरे समाज को? और जब कैथल में हमारे बच्चे लाठी खा रहे थे तब गुजरात वाले नो कंसर्न की पोजिशन पे थे कि हमें कोई कंसर्न नहीं है। और जब कूच बिहार के क्षत्रियों के साथ ज्यादती हो रही थी तो और देश के सारे किसारे ये मानकर बैठे थे हमें क्या मतलब। और जब राजस्थान के क्षत्रियों के साथ ज्यादती होती है
तो दूसरे क्षेत्र के चलो फिर भी राजस्थान के साथ तो तुरंत लग जाते हैं, लेकिन जब हमारे यूपी के भाइयों के साथ ज्यादती होती है, जब हमारे हरियाणा के भाइयों के साथ ज्यादती होती है, जब बिहार में कोई क्षत्रियों को परेशान करता है, जब कूच बिहार यानी बंगाल और असम में क्षत्रियों को परेशान करता है, तब सब लोग चादर ढांप के सो जाते हैं। और उसका परिणाम यह है, स्टेप बाय स्टेप, एक बार हमारे कुछ बिहार वाले क्षत्रियों को परेशान किया जाएगा, एक बार कैथलवाड़ा में लाठी मारी जाएंगी, एक बार दादरी में लाठी मारी जाएंगी, एक बार सहारनपुर में लाठी मारी जाएंगी, और एक बार मध्य प्रदेश में, एक बार बिहार के अंदर, एक बारी बारी से हमारे करेंगे। हम आराम से बहुत अच्छी तरह से कंफर्ट जोन में है, सो रहे हैं कि कोई बात नहीं, हमारा तो कोई काम नहीं है। बंधुओं इसे समझो, ये आज सौभाग्य की बात है कि गुजरात में उस रूपाला के जरिए इन्होंने को सद्बुद्धि दी कि रूपाला के जरिए कहो ताकि द्वारका से लेकर कामाख्या तक के क्षत्रियों को इस बात का पता चल जाता है कि ठेंगा मानते हैं हम तुमको। हम हमारे लिए कूच बिहार का क्षत्रिय भी ऐसा ही है, हमारे लिए द्वारका और कच्छ का क्षत्रिय भी ऐसा ही है। मैं कहा था 4 फरवरी को जंतर मंतर पे कि कच्छ के रण में बैठा क्षत्रिय और असम की वादियों में बैठा क्षत्रिय, कश्मीर की वादियों में बैठा क्षत्रिय और कन्याकुमारी के समुद्र तट पर बैठा पांडिचेरी का क्षत्रिय सब एक हैं डीएनए से, तो फिर विचार से क्यों नहीं एक होते, क्यों एक साथ भमक नहीं उठते, क्यों ये रोज रोज इनकी बात में लगे हो और क्यों टिकट विकेट बदलवाने की बात करते हो। इनको इनके काम करने दो और हम अपना काम करें। और अपना काम यह है कि जिस बच्चे ने अपनी बहन की आंचल पर हाथ डाला नेस्तनाबूत कर दो, उसको समाप्त कर दो, दिखाई नहीं देना चाहिए, वो 2 नहीं 0 पे लेके आओ उसको, और वो एक बार इसका इलाज करेंगे। और फिर जो सड़क पर खड़ा बहन छेड़ता है यानी कांग्रेस और समाजवादी कौन सी आम आदमी पाम आदमी, इनका इलाज बाद में करेंगे, या तो वो इसका हस्र देखकर खुद सुधर जाएंगे, नहीं सुधरेंगे तो उनकी नाक फिर काटेंगे, नाक तोड़नी पड़ेगी इनकी। आप सोच रहे हो कि अपनी नाक इनकी नाक तोड़े बगैर बच जाए, ये संभव नहीं है, किसी भी तरीके से संभव नहीं है। आप कितना ही नीचे की तरफ शुतुरमुर्ग की तरह गर्दन नीचे कर लीजिए, ये समय आ चुका है। इन्होंने आपके विरुद्ध युद्ध घोषित कर रखा है, आप मान नहीं रहे उसको। आपको पता नहीं कौन सा एक हिंदुत्व का चाशनी चाट ली, आपको देशभक्ति का रोग लग गया, जबकि आप जानते हैं नहीं कि देश है क्या। ये देश और ये सनातन मेरे और आपके पुरखों ने पीढ़ियां पीढ़ी से सर कटाकर और काट कर बचाया था, और ये 36 कौम हमारे साथ थी जिनको आज इन्होंने हमारे विरुद्ध खड़ा कर दिया है। 1947 से पहले इस देश की एक भी जाति यदि हमारे विरुद्ध हो तो मुझे बता दीजिए। आज तक हमको ये लोग सम्मान देते रहे हैं और हमने इस पार्टियों के कुचक्र में फंसकर कभी तो ये पंथवाद पे लड़ाई लड़ ली, कभी जातिवाद की लड़ाई लड़ ली, और आज क्षत्रिय बिल्कुल निरंध अकेला बैठा है और कोई भी समाज उसके साथ इन्होंने रहने नहीं दिया। लेकिन हमारे पूर्वजों का प्रताप इतना है, यदि हम छाती ठोककर दहाड़ दें कि हम क्षत्रिय हैं, हम पर अन्याय हो रहा है, तो सारे लोग हमारे साथ आने के लिए तैयार हैं। सामने उदाहरण पड़ा है आपके पास में रविंद्र सिंह भाटी का। रविंद्र सिंह भाटी और आप में कोई अंतर नहीं है, सिर्फ इतना अंतर है कि उसने समय रहते यह पहचान लिया कि मेरी ड्यूटीज क्या हैं और इन पार्टियों का इरादा क्या है। आप समय रहते ये पहचान नहीं पा रहे, बस इतना सा ही अंतर है। योगी आदित्यनाथ ने सीना ठोक कर यदि ये कह दिया कि मैं क्षत्रिय हूं तो चुनाव जीत गया, नहीं मैं बेट लगा सकता हूं आपसे, यदि वो ये कहता मैं हिंदू हूं तो जैसे पृथ्वीराज चौहान फिल्म पिटी थी कि हिंदू हिंदू चिल्लाकर, ठीक इसी तरीके से योगी आदित्यनाथ की फिल्म पिटती पिछले चुनाव में। और यदि किसी को शक हो तो अब के फिर हिंदू बना के देख लो उनको, डेफिनेटली यदि चुनाव ना हार जाए तो गारंटी। अरे भगवान ने जिसे तुम्हें जिस रूप में पैदा किया है उस रूप को छिपाना चाहते हो। आप ये बताओ इनको भी तो भय है ना आपके क्षत्रिय होने से, सर पर सापा होने से, तभी तो ये आपके सर पे हाथ डाल रहे हैं ना। ये गया नहीं है हाथ, ध्यान से देखना उस वीडियो को, ये हाथ उठाया है और जानबूझ के केसरिया साफा गिराया है। और केसरिया का अपमान के बाद भी न तो वो मोदी जो हर बार ट्विटायाते रहते हैं उनका कोई ट्वीट निकला कि केसरिया पगड़ी के कैसे हाथ लगाया, और अमित शाह से तो खैर आशाई क्या की जा सकती है, वो तो डायरेक्ट ही देशद्रोहियों के साथ मिला होकर, वो मां पद्मावत वाली फिल्म भी इन्हीं ने चलाई थी। हम ब्रह्म में पड़े रहे, भंसाली ने नहीं, वो
फिल्म बनवाई थी दाऊद ने और वो चलवाई थी स्मृति ईरानी ने अमित शाह के जरिए, किसी और ने नहीं चलाई वो फिल्म। वो मां पद्मावत का जो अपमानित करने की फिल्म थी इन्होंने ही चलाई थी। ये उस बात का हिस्सा था हमें चेक करने का कि जिंदे मर गए, जिंदे मर गए, जिंदे मर गए, बारी बारी से चलता है ये चेकअप। और पद्मावत वाले में हम इनको बता पाए कि हम अभी जिंदे हैं, तो इन्होंने कहा जिंदे हो तो आप तो हमारे हो, हम आपके हैं, और यदि हम मरे हुए होते तो करते। अभी इन्होंने कैथलवाड़ा प्रकरण किया, उसके बाद में इन्होंने आपका ये रूप नरोत्तम मिश्रा वाला किया, थोड़ी थोड़ी जान है, लेकिन रूपाला वाला इन्होंने ये सोचकर किया था कि 15 साल पहले जब गुजरात के क्षत्रिय को मार ही रखा है राजनीतिक रूप से, तो ये तो जिंदा होगा ही नहीं, इसलिए आराम से यही कह देते राजकोट में, गुजराती में कहेंगे, सारे देश को पता भी नहीं चलेगा। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा हमारी उन सत्राणियों को कि उन्होंने ये बताया कि उनकी कोख अभी सुनी नहीं हुई है। उनकी कोख से आज भी हमीर सिंह गोहिल, कृष्ण कुमार सिंह गोहिल, उनकी कोख से आज भी राणा प्रताप, शिवाजी महाराज, पृथ्वीराज चौहान, राठौड़ दुर्गादास, सम्राट मिहिर भोज प्रतिहार, भूमदेव सोलंकी, भूदेव सोलंकी, आज भी नायिका देवी उनके अंदर बैठी हुई है। अभी वो दिन आया नहीं है कि छत्राणियों ने क्षत्रिय जनना बंद कर दिया हो, पर अब इसका क्या इलाज किया जाए? ये जो रोज आपकी पगड़ियां उछल रही हैं, जो रोज आपको अपमानित किया जा रहा है, राज से खबर तो चुनाव लड़ रहे हैं झुंझुनू में, एक कैंडिडेट के नाते भी उनके साथ इस तरह की बदतमीजी नहीं की जानी थी, लेकिन वो बदतमीजी राज से खबर के साथ नहीं, केसरिया के साथ की गई है। केसरिया साफा देख लिया और बनबना गए कि केसरिया, और वो भी क्षत्रिय के सिर पे, उतारो इसको। और मैं तो कहता हूं ये ऑर्डर है रूपाला सरकार का, रूपाला सरकार ही है वहां, और पार्टी भी अभी रूपाला के ही पीछे खड़ी है, जितने भी उम्मीदवार हैं इनके वो सब रूपाला ही हैं, एक भी कोई फर्क नहीं है उसमें। और मुझे तो ये लग रहा है कि समय रहते हमें ये भी भूलना पड़ेगा कि हमारे भाई लड़ रहे हैं इसमें, ये भाई भाई या तो खुद ही बोल दें कि भाई हम तुम्हारा टिकट लौटाते हैं, आपसे अलग होना चाहते हैं, नहीं तो मजा तो इनको भी चखाना पड़ेगा। रोने दो यार, ये क्या कि एक रह गया, दो रह गया, पांच रह गया, मरने दो इनको, इनके होने न होने से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, ये हैं तो भी ऐसे ही हैं, नहीं हैं तो भी हैं, बाहर बैठे रहेंगे, क्योंकि अभी हम बड़ी लड़ाई की ओर जा रहे हैं। अभी पिछली बार की तरह नहीं होगा कि हमारी संख्या कम रहेगी, एक रविंद्र सिंह भाटी और 100 क्षत्रियों के से ज्यादा ये जो राजनेताओं के जो गुलाम हैं, पार्टियों के जो गुलाम हैं, उनकी बजाय एक रविंद्र सिंह भाटी को चुनाव जिताकर भेजो, अगली बार 10-5 रविंद्र सिंह भाटी पूरे देश में पैदा हो जाएंगे, वो अपने आप अपना स्वाभिमान लड़ लेंगे, 36 कौम उनके साथ लग जाएगी, इसलिए इनकी अब संख्या वनख्या के ऊपर ध्यान मत दीजिए। मैं सिर्फ एक बात कहूंगा, अब क्या करना है वो बताओ, ये साफा पहनना बंद कर दें, क्या पता इसी की वजह से इनका वो हो, गुजरात जाना बंद कर दें, या अपन किसी दूसरे देश में चलें, क्या क्या करना है आप वो बताओ, इस पर विचार करके सोचो कि अब अपन क्यों क्या करना है, ये साफा उतार दे कि बुरा लगता है साफा, या इस देश को छोड़ के चले जाए कि साहब ये रहने नहीं देंगे, ये ज्यादा ताकतवर हैं, और कई लोगों का मेरे गलती से क्षत्रियों में पैदा हुए लोगों का हिंदुत्व और खतरे में पड़ रहा है, क्योंकि उसको हिंदुत्व और बचाना है, क्षत्रियों की कीमत पर, क्षत्रित्व की कीमत पर हिंदुत्व बचाना है उनको, कि क्षत्रित्व बचे नहीं, और ये तथा कथित ये जो नवोदित अभी जो ईसाइयत का पुट लेके जो हिंदुत्व पैदा हुआ है, जिसमें सूसरी बहुत है, डाइवोर्सी बहुत है, जिसमें वर्ण संकर है, जिसमें अंतरजातीय विवाह वाले हैं, ये वाला बचाना है इनको, इसको सजाएंगे ही अपने माथे पर, एक कोई पता नहीं कई क्षत्रियों की टाइटल और वो लाते हैं असली हैं कि फर्जी हैं कि नकली हैं आईडी, वो कहते हैं कि नहीं 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 अभी मत रुको, अभी तो हिंदुत्व खतरे में पड़ा है, इनका हिंदुत्व स्मृति ईरानी वाला हिंदुत्व है, इनका हिंदुत्व नरेंद्र मोदी वाला हिंदुत्व है, जो जसोदा बहन को पहचानता ही नहीं है, बीच में कभी पहचान जाता है कभी नहीं पहचानता, जो फेरे लेकर भूल जाए अपनी पत्नी को, वो वाला हिंदुत्व है इनका, जो अपनी माँ के देवासान हो जाने पर अपनी दाढ़ी नहीं कटाए, सिर के बाल नहीं दे, किसी को घर पे उब के लिए नहीं आने दे, वो वाला हिंदुत्व है इनका, इनका एक अलग हिंदुत्व है, इनका एक हिंदुत्व है जो राम को बिना सीता के, चलो ठीक है विवाह से पहले का फोटो है, लक्ष्मण के, भरत के और शत्रुघ्न के करता हो, इनका वो हिंदुत्व है जो राम के चारों तरफ पट्टिका सी लगाकर उनके सिर के ऊपर उन्हीं के पीढ़ी में कई सौ साल बाद पैदा हुए महावीर स्वामी को बैठा देता हो, ये हिंदुत्व है इनका, ये अमित शाह की चाल है, ये महावीर स्वामी जी वैसे क्षत्रिय ही है, हमारे ही है, लेकिन वो राम के चरणों में बैठने के लिए है, राम के माथे पे बैठने के लिए नहीं है, दादा के माथे पर पोता नहीं बैठता, पोते चरणों में बैठता है, लेकिन इन्होंने माथे पर बैठाया है, वो 24 ड्रामा बना करके कि ये अवतार है, ये कौन सी संस्कृति में, इनके हिंदुत्व में है ये अवतार, हमारे वेदों में उपनिषदों में राम और कृष्ण से बड़ा कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है राम और कृष्ण से बड़ा, फिर इन्होंने कौन कौन उनके माथे पर बैठाए हैं, ये हटाने पड़ेंगे,
आप कैसे ये मंदिर होगा। एक बंधु मेरे कह रहे थे कि आप यदि ये कहोगे कि राम मंदिर में राम की प्रतिमा नहीं है तो लोग मानेंगे नहीं। मत मानो, देख आओ फिर जाके राम की प्रतिमा है क्या, देखना, उसमें लक्ष्मण ढूंढना, उसमें कौशल्या ढूंढना, उसमें दशरथ ढूंढना, उसमें भरत ढूंढना, शत्रुघ्न ढूंढना, मिल जाए तो हमें भी बता देना। राम नहीं है, जैसे काल नेमी बैठा है ऐसे ही एक राम के नाम पर एक मूर्ति बिठाई है जिसमें सूर्यवंशी इक्ष्वाकुकुल का राम नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ना वो होते तो इनको सद्बुद्धि नहीं आती। राम की प्राण प्रतिष्ठा कराने वाले पार्टी में रूपाला जैसा आदमी पैदा हो सकता है क्या? और फिर रूपाला पैदा हो भी जाए गलती से, क्योंकि आदमी खेती करता है तो अनेक घास उग जाती है, अनवांटेड घास होती है, फिर उसे वो किसान यानी उस पार्टी के मुखिया उस पार्टी में रखते क्या? वो राम के वंशजों को गाली नहीं दे रहा था? वो राम के वंशजों को गाली देने वाला राम के भक्त की पार्टी में हो सकता है क्या? रावण भक्त की पार्टी में हो सकता है, कालनेमी की पार्टी में तो चलेंगे ये सारे के सारे। तो ये पूरी तरह से कालनेमी है। अब अपना ये विचार कर लो कि अपने को क्या करना है, अपने को बिना साफे के रहना है, ये केसरिया से दूरी बरतनी है। देखो क्या पता कोई खींच ले जाए, क्योंकि इनकी तो ज्यादती है, और यदि नहीं तो फिर एक बार भव को मरना एक ही बार है, आखिरी लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ और आह्वान करो कि रूपाला और अमित शाह और मोदी इनकी तरफ बढ़ो, इनसे पूछो जाकर कि तुम्हारी इतनी हिम्मत है कि तुम हमारा सिर कि ये साफा उतारोगे? ये सिर रहते से पहले साफा नहीं उतरेगा, सिर काट के फिर तुम चाहे साफा उतारना चाहे कोई और काम करना। ये बात इनको संदेश देने की जरूरत है, रात भर विचार कर लेना और कल से ये करेंगे। और मैं आपको अब बताता हूं कि स्टेप बाय स्टेप हम बताएंगे कि इनका राम मंदिर और राम मंदिर आंदोलन क्या है उसमें, ताकि ये पता लगे जनता को कि राम जी से संबंध नहीं है इस मंदिर का, राम जी के नाम पर एक ढोंग हुआ है, उस ढोंग का स्टेप बाय स्टेप बताएंगे हम। और उसी का ये दुष्प्रभाव है कि इनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। आरएसएस ने सर्वे कराया, 224 सीटें ला रहे हैं और इन दो तीन दिन के प्रकरण के बाद ये 200 पे आ गए हैं। रूपाला यदि 10 दिन रहा तो बात अमित शाह तक जाएगी, फिर अमित शाह हटाना पड़ेगा, रूपाला से काम नहीं चलेगा। और यदि वो 20 दिन रहा तो फिर मोदी पे जाएगी, मोदी के नेतृत्व में चुनाव नहीं होगा, और होगा तो फिर क्षत्रिय वोट नहीं डालेगा, किसी को भी नहीं डाले, भले चाहे आप नोटा पे डालो या जाओ ही मत वोट डालने, लेकिन इस वोट का बहिष्कार होगा। जैसे वो नो यूटी नो वोट है ना ग्रेटर कूचबिहार में, उसकी आवाज पूरे देश के क्षत्रियों को एक साथ मिलानी होगी। इतनी बात यदि आपके समझ बैठ जाए, इसे दूसरों को बताना चाहें तो अवश्य बताइएगा। जय रघुनाथ जी।